हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेलवे एनसीईआरटीसी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। रेलवे एनसीईआरटीसी की तरफ से टेक्नीशियन और मेंटेनेंस एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा दो और भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है, सैलरी आपको इस पोस्ट पे कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको इसका एग्जाम डेट भी बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यह है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है। अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसी की, तो यहाँ पे पोस्ट नेम की अगर हम लोग बात करें तो मेंटेनेंस एसोसिएट की पोस्ट है जो कि मैकेनिकल के लिए है, जिसमें दो वैकेंसी है। मैक्सिमम एज की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इन मैकेनिकल। यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, टोटल 22 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आपसे 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा गया है। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद प्रोग्रामिंग एसोसिएट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ पे आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, या फिर आपने बीसीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है आईटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 43 पोस्ट है। यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 साल रखी गई है। टेक्नीशियन की पोस्ट पर जो वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी गई है। ये एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे एजमेल लोकेशन भी मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो आपसे यहाँ पे आईटीआई मांगा गया है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए वैकेंसी है, जिसमें 27 पोस्ट है। यहाँ पे भी आपसे आईटीआई मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपसे आईटीआई मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद टेक्नीशियन फीटर के लिए वैकेंसी है, तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड में। उसके बाद टेक्नीशियन वेल्डर की वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट है। यहाँ पे भी आपसे आईटीआई मांगा गया है वेल्डर ट्रेड में। उसके बाद है यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी। तो इसमें टोटल 67 वैकेंसी है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल रखी गई है। यहाँ पे भी आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट, या फिर अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मेंशन किया गया है, सीरियल नंबर 125 एंड 11, यानी कि जो मेंटेनेंस एसोसिएट की वैकेंसी है और जो स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी है, उसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है सीरियल नंबर 6 से 10 के लिए, उसमें आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आपके पास आईटीआई नहीं है। तो इसमें आईटीआई होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। जो सीरियल नंबर 6 से लेकर 10 तक की पोस्ट, यानी कि टेक्नीशियन की पोस्ट है, उस पोस्ट पे आपके जो क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे आपको बताया गया है सीरियल नंबर 1 से 10 के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें आपका सीबीटी होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो एज पर इंडियन रेलवे रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर पोस्ट है 11, यानी कि स्टेशन कंट्रोलर के लिए, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, उसका जो साइको टेस्ट होता है वो होगा, देन आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। अगर इसकी एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेंगे इसमें नॉन टेक और टेक्निकल पार्ट दोनों ही रहेगा।
नॉनटेक में आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा, यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे और साथ में जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा। तो ये नॉनटेक पार्ट में रहेगा। अगर टेक्निकल पार्ट में बात करें तो जो भी आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन है उन रिलेवेंट डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, बोर्ड मास पूछा जाएगा, डेसिमल्स रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, परसेंटेज रहेगा, मेंस्ट्रुएशन पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी पूछा जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जाएगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, अलजेब्रा रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, एज कैलकुलेशन रहेगा, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप एंड क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके बाद रीजनिंग की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपसे एनालॉजी पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सेज भी रहेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलोजम भी रहेगा, जम्बलिंग भी रहेगा, वेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी भी रहेगा, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग भी रहेगा, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस ये भी रहेगा आपका टॉपिक, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस का आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक आपके रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे टॉपिक्स आपके जनरल इंग्लिश में रहेंगे। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस है आप उन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे इसके सारे टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं। उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका क्या क्या टॉपिक्स रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये यहाँ पे इसका टॉपिक वाइज सिलेबस है। उसके बाद बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन रहेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर एलाइड इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो आप देख सकते हो, वन फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन रहेगा, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके जो जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप हैं और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ टॉपिक जो है वो देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में जो जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपके टॉपिक वाइज सिलेबस रहेंगे। अगर टेक्नीशियन की पोस्ट की हम लोग बात करें कि उससे ट्रेड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो आपके आईटीआई में मेन पेपर था उससे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो इनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसको भी पढ़ना होगा। अभी तक इसकी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी ऑफिशियल सिलेबस आ जाती है मैं आप लोगों को उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगी। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो डिसिप्लिन दिया गया है, वहाँ पे जो आपके क्वालिफिकेशन है मेंशन है, उसके इक्विवेलेंट क्या क्या डिसिप्लिन है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास बीटेक है या फिर डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल के लिए प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे आपको डिसिप्लिन मेंशन किए गए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल वाले तो अप्लाई करेंगे ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपके पास तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिविल के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
तो ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक श्योरिटी बॉन्ड बताया गया है, सीरियल नंबर 1-5 और 11 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो श्योरिटी बॉन्ड रहेगा वो 1.5 लाख का रहेगा, 2 साल का ये आपका बॉन्ड रहेगा। अगर आप इन 2 सालों के बीच जॉब छोड़ते हो तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जो है वो देना होगा। सीरियल नंबर 6-10 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो श्योरिटी बॉन्ड है वो 1 लाख का रहेगा। उसके बाद हम लोग सैलरी की बात करें तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 35,250 रुपये रहेगी। उसके बाद ट्रेन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 37,750 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे आपको 23,850 रुपये सैलरी दी जाएगी पर मंथ। तो ये आपके सैलरी रहेंगे। अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की हम लोग बात करें तो UR, OBC और EWS और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपये है, प्लस आपको यहाँ पे GST चार्ज भी देना होगा। उसके बाद SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई, वो बिल्कुल फ्री में इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की हम लोग बात करें, इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली NCR में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे जो आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हो, 15 सितंबर 2021 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 रखा गया है। अगर इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स की हम लोग बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप लोगों को बताया गया है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो ये इसके टेंटेटिव डेट्स रहेंगे। अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।